मैनेजमेंट ऑफ परचेज एंड सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड इनपुट्स यानी अपनी प्रोडक्ट्स के लिए अप, जो आपने एक्सपोर्ट करनी है उसमें जो आ, कुछ चीजें एड होनी है जो उस प्रोडक्ट का हिस्सा बनना है उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग का हिस्सा बनना है जिसने तो वो आ, उनको परचेज कैसे करना है और उनको उनकी जो सप्लाई है उसको रेगुलेट कैसे करना है उसके लिए कुछ और अहम पैरामीटर्स हैं जिनको देखना बड़ा जरूरी है किसी भी एक्सपोर्टर के लिए जैसे रिलेशनशिप विद द सप्लायर के जो सप्लायर है आपका उससे आप ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ना करें बल्कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करें बिकॉज आपने आ, अगर कोई एक्सपोर्ट्स करनी है तो वो है रेगुलर बेसिस पे करनी है तो जो उसके इम्पोर्टेड इनपुट्स हैं उसकी भी आपको रेगुलर ज़रूरत रहनी है तो बजाय इसके कि हर कंसाइनमेंट या हर ऑर्डर के बाद हम ये ढूंढें कि ये जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स है ये कहाँ से मिलेगी उससे बेहतर है कि एक अच्छा होमवर्क हम पहले से कर लें अपने सप्लायर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लें ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप की बजाय एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप कर लें ताकि आपको भी स्मूथ फ्लो आता रहे उन प्रोडक्ट्स का जिन्होंने कॉम्पोनेंट बनना है आपकी आपके प्रोडक्शन साइकिल का तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उससे एक परचेज एग्रीमेंट करें और उस परचेज एग्रीमेंट के सारी जो प्रोविजन है उनको अच्छी तरह से देखें उसको अच्छी तरह से समझें ताकि आपको आपको इस चीज की एश्योरेंस हो जाए कि एक स्पेसिफिक टाइप क्वालिटी में जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी और एक मखसूस प्राइस पे मिलेंगी जो कि आपकी आ, जो प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस है उसके अंदर मैच करती होंगी और ये आ, जो है इसका फ्लो इसकी अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम होगी अदरवाइज इफ देर आर मेनी प्रोडक्ट्स विच वी पाकिस्तान एक्सपोर्ट बट दे आर हैवेली डिपेंडेंट अपॉन देयर सर्टेन इंपोर्टेड इनपुट्स तो अगर वो कंसाइनमेंट uh, बेसिस पे चलें तो फिर हर ऑर्डर के लिए हर दफ़ा वो सप्लायर ढूंढते रह जाए फिर उसमें एक तो अवेलेबिलिटी इंश्योर नहीं होगी दूसरी ये है कि जब सप्लायर आपके चेंज होते रहेंगे तो वो क्वालिटी भी वेरी करेगी और प्रोडक्ट टाइप भी वेरी करेगी और फिर वो वेरिएशन ले आएगी आपकी एंड प्रोडक्ट पे जो कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये जाहिर है कि आपके लिए टॉलरेबल नहीं होगा आपके लिए ये चीज़ वेरेबल नहीं होगी इसलिए एक अच्छा परचेज एग्रीमेंट डेवेल्प करना चाहिए फॉर ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ द इम्पोर्टेड इनपुट्स इसके अलावा इंश्योरिंग एफिशेंट प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक के परचेज uh, प्रोक्योरमेंट और uh, उनकी फिर uh, आप तक पहुंचना और फिर आप तक पहुंचने के बाद उनको uh, प्रोपरली उसका जो वेयरहाउसिंग और उसका जो स्टोरेज वो डेवलप uh, करना और uh, उसको लुक आफ्टर करना इम्पोर्टेंट है एक तो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए और दूसरा ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द टैक्सेशन अथॉरिटीज एज वेल बिकॉज टैक्सेशन अथॉरिटीज को चूंकि आपने टैक्सेस नहीं दिए इस बिना पे कि आपने इन चीज़ों को एक्सपोर्ट uh, करना है या ये कॉम्पोनेंट बनेंगी आपकी एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स की तो इसलिए उनको उनकी जो लॉजिस्टिक्स हैं उनकी जो वेयर हाउसिंग है उसकी जो पेपरवर्क है उसकी जो तमाम रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना इंतई ज़रूरी है वरना द एक्सपोर्टर द एक्सपोर्टिंग कंपनी कुड बी इन ए इन ए प्रॉब्लम